लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे पीआरओ ने बताया कि इसकी तैयारियां स्टेशन पर की गई। इस दौरान श्रमिकों को सुरक्षित घर पहुंचाने की जवाबदारी है। प्रकोप पूरे विश्व में छाया हुआ है और हमारे भारतवर्ष में भी इसका काफ़ी असर हुआ है और काफ़ी जो शहर हैं जो रेड जोन में आए हुए हैं और वहाँ पे जो भी श्रमिक हैं जो कार्य करते हुए फंसे हुए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है 3 तारीख से बढ़ाकर 17 तारीख किया गया है, उसके साथ में गृह मंत्रालय ने भी ये निर्देश दिए हैं कि रेल मंत्रालय और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इस तरह का प्लान बनाए कि श्रमिकों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके। तो रेल प्रशासन उसके ऊपर कार्य कर रहा है और पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल पर अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में हमने प्लान किया हुआ है कि जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसमें रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के द्वारा पूरा मार्किंग किया गया है कि कम से कम जो भी श्रमिक आए उनको सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक खड़ा किया जाए। तो करीब 500 से 600 लोगों के हमने खड़े करने की व्यवस्था की है और मार्किंग की है कि वहाँ पे वो खड़े रहेंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और उसी तरह से सिंगल डोर रखा है जिसमें कि लोगों की अफरा तफरी ना हो और उसको पूरी तरह से किया जाएगा। साथ में हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ गाड़ी खड़ी होगी वहाँ पे किस तरह से जो श्रमिक लोग हैं वो अंदर तक जा पाएंगे और किस तरह से वहाँ बैठेंगे उसकी भी व्यवस्था की है। वहाँ पर भी मार्किंग किया गया है कि किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं टूटे, अगर क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे श्रमिक पूरी तरह से सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे। तो श्रमिक स्पेशल जैसे ही भारतीय रेलवे प्लान होती है, चाहे वो इंदौर से हो, मुंबई से हो, अहमदाबाद से हो या कहीं से भी हो, वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा और श्रमिकों को अच्छे से मतलब सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है। और कोशिश की जा रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि लोग सुरक्षित अपने घर तक पहुंच पाएँ और अपने को सुरक्षित बचा पाएँ इस कोरोना वायरस से, यही मुख्य उद्देश्य है।